हेलो। सो बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोग पाइथन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था ओप्स पे। आज अगेन उसी ओप्स को हम फर्दर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वेरिएबल्स टाइप कितने होते हैं ओप्स के। आज ओप्स के जो फीचर्स पाइथन सपोर्ट करता है उस पर हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे कि क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है और उस फीचर्स को हम कैसे पाइथन में यूज करेंगे। सो पहला फीचर हमने बताया था कि वी कैन नॉट सपोर्ट, पाइथन कैन नॉट सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है। मेथड ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है, बट मेथड ओवरलोडिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है। मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम एक ही नेम से मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल मेथड क्लास के अंदर नहीं बना सकते हैं। अगर हम मल्टीपल मेथड क्लास के अंदर बनाते हैं तो वो केवल लास्ट वाले मेथड को याद रखता है, प्रीवियस ऑल मेथड को वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, जिससे कि आप इजिली समझ जाओगे कि कैसे ये वर्क करता है। एक हमने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास का नेम दे दिया हमने टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर एक मेथड बनाया हमने def add, सिंपल एक मेथड add है जिसमें हमने लिख दिया adding। now next मेथड भी हमने add बनाया, बट इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, पैरामीटर x एंड y। now k इज इक्वल टू x प्लस y, दोनों को add कर दिया और हमने यहां पे k को प्रिंट कर ली। फाइन। नाउ थर्ड, अगेन हमने एक मेथड बनाया एड, जिसमें एक्स वाई और जेड को हमने पास किया। ये हमारा पाइथन है, तो पाइथन क्या कहता है कि मेथड मस्ट हैव वन कॉन्स्टेंट पैरामीटर दैट इज सेल्फ और एनी कीवर्ड। नाउ के इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को हमने ऐड कर दिया और इसको प्रिंट किया आउटपुट के। देन अब इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ob इज इक्वल टू टेस्ट, एंड देन ob.add को हमने कॉल किया विदाउट पैरामीटर वाले को। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमने इसको सेव कर दिया test.py के नेम से। नेम कैन बी एनी थिंग, कुछ भी नेम हो सकता है, बट हमने इसको टेस्ट के नेम से सेव किया। नाउ अगर हम इसको रन करते हैं तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा? फर्स्ट तो हमने क्लास का नेम गलत लिख दिया है। अब हम इसको रन करें तो ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, एड हैव थ्री पैरामीटर, एड के अंदर तीन पैरामीटर है और आपने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया है, ये प्रॉब्लम वो एरर दे रहा, टाइप एरर। सो क्या किया उसने, प्रीवियस जितने हमारे दोनों मेथड हैं इन दोनों मेथड को वो इग्नोर कर दिया और केवल लास्ट वाले मेथड को याद रखता है। तो इस केस में हमको हमेशा लास्ट पैरामीटर को ही हम केवल कॉल कर सकते हैं, प्रीवियस पैरामीटर वाले जितने भी हमारे ऐड मेथड हैं वो इग्नोर हो जाएगा। दैट्स वाई पाइथन क्या कहता है, पाइथन कैन नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग, पाइथन कैन नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है, मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है, बट नॉट मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग आगे हम इसको फर्दर इसको भी पढ़ेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग हमारा कैसे वर्क करता है। पहले इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर रीड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, पाइथन क्या कहता है कि पाइथन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पाइथन के अंदर बहुत तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा है इनहेरिटेंस के बारे में, हम इनहेरिटेंस इन अ पाइथन, पहला हमारा है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड हमारा है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस और थर्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस।
and fourth hybrid inheritance. So first of all हम single inheritance की बात करने जा रहे हैं. Single inheritance क्या कहता है कि one class can be inherit only one class. तो single inheritance में एक हमने यहां पे class बनाया, class parent, या आप इसको बेस कह लीजिए, बेस क्लास हमने बनाया. बेस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया हमने सो, और सो के अंदर प्रिंट कर दिया हाई आई एम फ्रॉम पेरेंट, हाई आई एम फ्रॉम पेरेंट. ठीक, ये हमने प्रिंट कर दिया. दूसरा एक मेथड बनाया डिस्प्ले, और डिस्प्ले में एक नेम हम एज ए पैरामीटर ले रहे हैं, और उस नेम को हम वेलकम के साथ प्रिंट कर दे रहे हैं. नाउ अब सेकेंड क्लास हमने बनाया डेराइव्ड क्लास. डेराइव्ड क्लास में बेस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया. इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो बेस क्लास है वो कंप्लीटली डेराइव्ड क्लास में मर्ज हो जाता है. बेस क्लास कंप्लीटली डेराइव्ड क्लास में मर्ज हो जाता है. मर्जिंग का मीनिंग क्या हुआ कि बाय द हेल्प ऑफ डेराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन यूज बेस क्लास ऑल मेथड एंड प्रॉपर्टीज. अब हमने डेराइव्ड क्लास के अंदर एक अलग सा मेथड हमने बना लिया, दैट इज ग्रीट. और ग्रीट में हम क्या कह रहे हैं, मैसेज पास कर रहे हैं और नेम पास कर रहे हैं. फाइन, और प्रिंट क्या कर रहे हैं, हेलो मैसेज, जो भी मैसेज है, एंड नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं. नाउ एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेराइव्ड क्लास का, और डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फर्स्ट मेथड सो को कॉल किया, देन बेस क्लास के डिस्प्ले मेथड को पास किया, और इसमें हमने नेम पास कर दिया विवेक, और लास्ट में हमने जो डेराइव्ड क्लास है उसके मेथड को कॉल किया, और इसमें पहला हमारा पैरामीटर है मैसेज. मैसेज हमको क्या देना है, तो हमने कहा गुड मॉर्निंग एंड नेम. नेम हमने कह दिया विशाल. नाउ सेव किया, और आप जब इसको रन करोगे, हाय आई एम फ्रॉम पेरेंट, वेलकम विवेक. जो हमने यहां विशाल पास किया है उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये था स्ट्रिंग आर ऑलवेज विद इन सिंगल कोट और डबल कोट्स. तो हमने यहां पे अपने पैरामीटर में विशाल जो पास किया था, विशाल में हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाए थे. सिंगल कोट्स नहीं लगाए थे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट्स नॉट बी अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है. तो स्ट्रिंग के लिए क्या जरूरी है कि ये आइदर इट्स अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, या तो सिंगल कोट्स में हो या डबल कोट्स में हो. नाउ इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हो तो आउटपुट आपको करेक्ट मिलेगा, हाई आई एम फ्रॉम पेरेंट एंड वेलकम विवेक जो है बेस क्लास से कॉल हुआ, और गुड मॉर्निंग विशाल जो हमारे डेराइव्ड क्लास से कॉल हो रहा है. तो ये जो है हमारा ये सिंगल इनहेरिटेंस है. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट होता है. इनहेरिट का मीनिंग क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे मेरिट्स हैं, वो सारे के सारे मेरिट्स चाइल्ड क्लास में यानी कि डेराइव्ड क्लास में मर्ज हो जाता है. आप अगर सिंपल टर्म में कहें तो जो मेरे पेरेंट्स का एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कोई भी एक लैंड है या होम है, कुछ भी है, आफ्टर देन वो मेरा ही होगा. तो यहां भी इनहेरिटेंस वही कहता है कि जो पेरेंट का है अगर आप उसको इनहेरिट करते हो तो पेरेंट के सारे प्रॉपर्टी आपके होंगे, बट चाइल्ड का जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट का नहीं हो सकता. यानी कि डेराइव्ड में जो हमने प्रॉपर्टी दिया है वो अगर पेरेंट के ऑब्जेक्ट से हम कॉल करना चाहें तो नहीं कर सकते. तो टॉप डाउन तो ये वर्क करता है लेकिन बॉटम अप वर्क नहीं करता है. तो हमेशा ये याद रखिएगा कि बेस क्लास जब डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट होगा तो डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट बेस के सारे फंक्शनैलिटी, सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, और अपने प्रॉपर्टी को तो एक्सेस करेगा ही, बट बेस के ऑब्जेक्ट को केवल यही उसके पास परमिशन है कि वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने फंक्शन को एक्सेस करे, किसी और के फंक्शन को एक्सेस नहीं करेगा. फाइन. नाउ तो ये जो है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस था. उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस
क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास में कॉल हुआ, दूसरा क्लास थर्ड क्लास में कॉल हुआ, फर्स्ट क्लास यानी कि बेस क्लास डेराइड में आया, डेराइड सब डेराइड में आया। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अगर हम एक इस क्लास ए कॉल्ड इन क्लास बी एंड क्लास सी कॉल्ड क्लास बी, नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी आर एबल टू एक्सेस बी क्लास प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी एज वेल एज ए क्लास फंक्शनैलिटी। इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिर से बनाया, हमने कहा टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर हमने एक सिंपल एक हमने A1 मेथड बनाया और इस मेथड में हमने लिख दिया प्रिंट हाई वन। नाउ सेकेंड क्लास बनाया हमने टू डेराइव्ड, और इस डेराइव्ड में हमने टेस्ट को इनहेरिट किया, और इस डेराइव्ड के अंदर हमने B1 नाम का एक मेथड बनाया, इस B1 में हमने लिख दिया प्रिंट हाय B1। नाउ थर्ड क्लास बनाया हमने सब डेराइव्ड, और इसमें हमने डेराइव्ड को पास किया। नाउ लास्ट मेथड हमने सब डेराइव्ड के अंदर बनाया C1, और C1 में मेथड बनाया C1, और उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हाय C1। नाउ अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब डेराइव्ड का, देन हम बेस क्लास यानी कि टेस्ट क्लास के भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, डेराइव्ड क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड अपने क्लास के मेथड को तो एक्सेस करेगा ही, इसको भी हम यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। इसको हमने सेव किया और रन किया, हाई वन हाई बी वन हाई सी वन। नाउ इसी क्लास में अब हमने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बी स्टार्ट विद डबल अंडर स्कोर इन इट डबल अंडर स्कोर सेल्फ, हमने यहां कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में हमने लिख दिया हाय फायर वन। नाउ डेराइव्ड क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, डेफ इन इट, और इसमें हमने लिख दिया हाय टू, एंड सब डेराइव्ड में भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, और इसमें हमने लिख दिया प्रिंट हाय थ्री। नाउ अब रूल क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा था पाइथन कैन नॉट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मींस सेम क्लास के अंदर सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड हमारे नहीं हो सकते हैं। तो जब टेस्ट हमारा डेराइव्ड में मर्ज हुआ तो डेराइव्ड में ऑलरेडी इनिट पहले से है और टेस्ट के भी इनिट हमारे इसके अंदर मर्ज हो गया। नाउ दे रिमेंबर ओनली लास्ट वन, एंड लास्ट वन कौन सा होगा, डेराइव्ड का इनिट। अब डेराइव्ड हमारा मर्ज हुआ सब डेराइव्ड में पहले से ऑलरेडी इनिट है और डेराइव्ड में भी इनिट है, तो जब ये मर्ज हुआ तो लास्ट वन कौन सा होगा हमारा, सब डेराइव्ड का इनिट। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब डेराइव्ड का तो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा फायर होगा, सब डेराइव्ड का कंस्ट्रक्टर फायर होगा, ना कि डेराइव्ड और टेस्ट का कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं फायर होगा। जब हमने इसको रन किया तो सबसे पहले उसने प्रिंट किया हाई थ्री, यानी कि कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को पहले उसने हाई थ्री कंस्ट्रक्टर, हमने यहां पे सपोज लिख दिया कंस्ट्रक्टर, उसको उसने प्रिंट किया, बट डेराइव्ड के कंस्ट्रक्टर को और टेस्ट के कंस्ट्रक्टर को उसने
प्रिंट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि हम डेराइव्ड के भी कंस्ट्रक्टर को फायर करें, तो उसके लिए पाइथन एक मेथड देता है सुपर। सुपर क्या कहता है? सुपर इज यूज फॉर बेस क्लास एक्सेसिंग बेस क्लास फंक्शनैलिटी एंड मेथड। बेस क्लास के किसी भी मेथड और फंक्शन को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम सुपर कीवर्ड, सुपर मेथड को यूज करते हैं। तो यहां हमने सुपर यूज किया, सुपर डॉट। किसको एक्सेस करना है? हमको इनिट को एक्सेस करना है। ये जो इनिट हमारा एक्सेस होगा वो कौन सा एक्सेस हुआ? डेराइव्ड क्लास का। इट मींस अभी हम इसको रन करें तो ये प्रिंट करेगा हाई टू कंस्ट्रक्टर एंड हाई थ्री कंस्ट्रक्टर, दोनों के कंस्ट्रक्टर को अब प्रिंट करेगा। रीजन की हमने एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर ऑफ डेराइव्ड कॉल कर रखा है कंस्ट्रक्टर इनसाइड सब डेराइव्ड में, फाइन। अब अगर आप अगेन चाहते हो कि टेस्ट के भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो टेस्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसके लिए भी हमको यहां पे यूज करना होगा सुपर डॉट इनिट। नाउ अब हम जब इसको रन किया तो कंस्ट्रक्टर ऑफ टेस्ट, कंस्ट्रक्टर ऑफ डेराइव, कंस्ट्रक्टर ऑफ आपके सब डेराइव, इन तीनों के कंस्ट्रक्टर को उसने पास फायर किया। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक चेन बन गया। कैसे चेन बना? सब डेराइव से हो गया डेराइव में, डेराइव से हो गया टेस्ट में। सबसे पहले उसने टेस्ट के कंस्ट्रक्टर को फायर किया। अब जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से वो वापस आएगा। अब वो दूसरे पाथ, उस पाथ से जब वापस आया तो सबसे पहले उसको मिला डेराइव्ड का कंस्ट्रक्टर। डेराइव्ड के कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ हाई टू कंस्ट्रक्टर। अब इसको प्रिंट करने के बाद अगेन वो आएगा अपने बेस क्लास, जो अपना क्लास है यानी कि सब डेराइव्ड जो है वहां आया और उसमें लिखा हुआ है हाई थ्री कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से एक चेन बन गया, इसीलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। और यहां पे आपको आउटपुट क्या आया? पहले आया हमारा टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर फायर वन, नाउ डेराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हाई टू कंस्ट्रक्टर, एंड देन सब डेराइव्ड का कंस्ट्रक्टर हाई थ्री कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ। देन आप जिस ऑर्डर में मेथड को कॉल करोगे उसी ऑर्डर में वो आपको आउटपुट प्रिंट करके देगा। तो ये हमारा था सिंगल इनहेरिटेंस प्लस कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो सिंगल इनहेरिटेंस ही को हम अगर थर्ड लेवल तक लेके जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।